ही नहीं है कि मेरी मैया तू मुझको रुलाना ना, सिर पर बच जाऊं अपने नजर से गिराना, बच जाऊंगी मैं अपने नजर से गिराना, पर्वत से बच जाऊं उसके ख्याल में ही खो जाता है कि अरे ऐसे ही प्यार यार हो जाता है। तो अब आगे सपने में कौन आने वाला है आप सब जान गए होंगे मेरे बैठने से, कि आके सपने में मेरे सताने लगा, कि धीरे धीरे वो दिल में समाने लगा। अरे सच सच बताती हूँ मन आ गया, अरे सच सच बताती हूँ मन आ गया। बाकी के आगे के तरवा लोग जाना था नहीं जा, कि हाय फलनवा के बेटा पसंद आ गया। क्या बात है, मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों का मिजाज अभी फिलहाल ऐसे ही गानों में अटका है, कि जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, कि लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई, कि जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते नहीं गाऊंगी, ज्यादा खुश मत हुई आप लोग। कि पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं, पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कैसे हो बुलाती है जाने का नहीं, कहां जाने का नहीं, कि हम बुलाइबे नहीं की, कि हम बुलाने का नहीं, ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, बोलना करो ये करो वो करो ना करो हाँ करो चुप बैठ, ये समझा है क्या पीछो कि कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं, हम बुलाइबे नहीं किए इधर आने का, दोस्तों गणपति महोत्सव में सुनील शेट्टी जी का आगमन हो चुका है, ये देखे जस्ट ठीक हमारे सामने, शख्सियत बहुत बड़ी है, ऐसे तो नमस्कार सुनील शेट्टी जी, लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी के बीच सुनील शेट्टी, कम ऑन मेक सम नॉइज एवरीबॉडी, जोरदार ताली से स्वागत करिए बॉलीवुड के सुपरस्टार जिनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, ऐसे सुपरस्टार सुनील शेट्टी सर हमारे बीच आ चुके हैं, ताली से स्वागत करिए सर, बहुत बहुत
स्वागत अभिनंदन वंदन है सिराज आप सभी के बीच आ चुके हैं सुनील शेट्टी साहब, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर, ये हमारी ऑडियंस जौनपुर वासी आपका बहुत 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 देर से इंतजार कर रहे थे। सर, कैसा लग रहा है? गणपति बाप्पा, ये हुई ना बात। जौनपुर के वासियों, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, बहुत सारा प्यार आपको। मैं दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। इसके पहले एक कुश्ती के प्रोग्राम के लिए कुछ साल पहले आया था। जो प्यार, जो सम्मान तब मिला, आज भी मुझे वो याद है। लेकिन आज अगर यहाँ आया हूँ तो एक्साइटमेंट भी थी कि आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ, लेकिन खुश भी था बिल्कुल कि मेरा भाई आप लोगों के लिए, किसी लोगों के लिए अभिषेक सर है, किसी के लोगों के लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा अवसर है। मेरे लिए मेरा छोटा भाई है, जिसको मैं शायद 20-25 साल से जानता हूँ। अभिषेक का ग्रोथ मैंने अपने नजरों के सामने देखा। फोर्स में रहते हुए आपको तो मैं कैसे रोक सकती हूँ सर? आप वही धड़कन की बात कहिए और मैं आगे बढ़ाता हूँ। म्यूजिक प्लीज भाई, धड़कन। ओके, सो ऑडियंस थोड़ा शोर हो जाए, कम ऑन। ये तो प्लेबैक है यार। काश ये मेरी आवाज होती और ऐसे मैं गा सकता सर, लेकिन मुझे धोखा दे दिया यार। मुझे छोड़कर अक्षय कुमार के पीछे पड़ गई, गलत किया ना। जब एक इंसान एक औरत से इतना प्यार करता है, उसे छोड़ के कैसे जा सकती है? पैसों के लिए यार, पैसे तो हर एक कमा सकता है। हम भी मेहनत करेंगे तो हमने कमा ही लिया ना उसमें। क्या बात है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो मेरी Bye.
और तुम मुझे भूल जाओ। होने नहीं दूंगा। तो हर एक देव के लिए डरना मत यार। अंजलियां कहीं ना कहीं तो छुपी होगी आपकी जिंदगी। प्यार पे भरोसा रखना और एक दूसरे से प्यार करते रहना, और ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए इतने सारे लोग और इतना सारा प्यार, तो आप लोगों के लिए, जौनपुर वाले लोगों के लिए कहूंगा कि मैं तुम्हें भूल जाए हो नहीं सकता। कौन सारा मरता है। और अगर मर भी गया अंजलि, तो थड़कूंगा तेरी सीने में। सर एक बार अक्षरा बोल देते सर तो मेरे तो अक्षरा मैं तुम्हें भूल जाए हो नहीं सकता। हम आपको भूल जाए ये हो नहीं सकता। मेरी जिंदगी में मैंने कभी गाया नहीं। मैं गाया हूँ मेरे छोटे भाई के लिए, आप लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए। Come on everybody, जोरदार ताली। मेरे संजू के लिए। थैंक यू। कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। जब चाहे तुम्हें देखूं, कि किस्सा अजीब था पहली मुलाकात का। कि मेरी नजर उन पे गिरी, उनकी नजर शर्मा के छुप गई। और कुछ भारत माता के लिए कि हम तो दूसरे की माँ पर नजर उठा के भी नहीं देखते साहब जी, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है कि कोई हमारी धरती माँ पर नजर डाले और आप चुपचाप बैठते रहे। ये धरती शेर पैदा करती है, शेर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने वाली शेर। शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात है, एक बार जोरदार। ये तो ऑटो ट्यून है यार, बंद ही नहीं होती, इतनी एनर्जी है सर। ये जौनपुर की आवाज है सर, मैं क्या बोलूं सर, वही रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ नहीं सर। कि उनके चेहरे की ये पे बुलाया है। हम बड़े बड़े लंबे लंबे फ्लाइट से आए हैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए और मेरे मित्र अभिषेक सिंह जी के लिए।
मुझे तो नहीं लगता कि बैग के साथ एंट्री का प्लान था अजय क्योंकि